हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा सीरियल ब्लॉग। तो फ्रेंड, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उत्पम की रेसिपी, जो मैं बनाने वाली हूँ रवा से। रवा ले लेंगे 1 कप, उसमें हम डालेंगे दही खट्टी वाली थोड़ी, उसको दही डाल के फेंट के थोड़ी सी रख देंगे फूलने के लिए। ये आप स्टैंड बना सकते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए भी, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही आसान रेसिपी भी है और हेल्दी भी है, जिसमें आप जिसके बच्चे सब्जी उब्जी नहीं खाते हैं वो आसानी से इसमें सब्जियां खा लेते हैं। आप अपने पसंद की सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, जो आपके बच्चे को जो सब्ज़ियाँ पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। हमने इसमें दही डाल के फेंट दिया है, ये फूल गया, हमें 10 मिनट के लिए रखना है इसे। हल्का सा मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, तो ऑप्शनल, अगर आपको जीरा नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे मिक्स कर लेते हैं। और हम इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब 10-15 मिनट तक ये फूल जाएगा तो उसमें हम एक ऑनियन और एक टोमेटो मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा शिमला मिर्च लिया हुआ है बिकॉज मुझे शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, और धनिया पत्ती, ग्रीन चिली है, जो जो आपको सब्जियां पसंद है। अगर आपको कैरेट पसंद है आपके बच्चे को, तो आप कैरेट भी काट सकते हैं इसमें डालने के लिए। हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि उत्पम के साथ चने की दाल की चटनी कैसे बनाएं, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और एक आप देख सकते हैं आप ये फूल चुका है। चलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं। ये पैन लेंगे, उसमें हम तेल गरम कर रहे हैं, इसमें हम राई तड़काएंगे। गैस ऑन कर देते हैं, ये राई तड़कने लगेगा। इसमें हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, आपको तीखा ज़्यादा पसंद है आप हरी मिर्च का भी तड़का लगा सकते हो। ये क्या कर रहा है, अब इसमें हम ये चना दाल डाल देंगे। ये दाल को हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो आप उसका भी तड़का दे सकते हो, बहुत यम लगेगा उसको। इसको हमको गोल्डन होने तक भूनना है दाल को। आप देख सकते हैं दाल गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तब तक हम उत्पम की तैयारी कर लेते हैं बाकी की। इसमें हम चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ी धनिया डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल के अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पतला बैटर करना है, बहुत ठीक हो गया है, देख सकते हो ये ठंडा हो रहा है। इसके बाद हम इसको मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसको मैंने इतनी पतली कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लिया है। अब बैटर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम 2 चम्मच तवे पे स्प्रेड कर देंगे। इसको डोसे की तरह बहुत पतला नहीं फैलाना है। इस पर हम थोड़ा ऑनियन फैला देंगे। शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, इसमें हम 1 चुटकी नमक फैला देंगे ताकि सब्जियों में भी नमक का टेस्ट आए, फीका सा ना लगे। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा है। सो गाइस, इसको हम थोड़ा सा ऑयल किनारे किनारे डाल देते हैं। सब्जियों को थोड़ा सा प्रेस करते हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं।
जब तक उत्पम पक रहा है तब तक हम इसमें एक मिर्च डाल लेते हैं, नमक, चटनी बना लेते हैं। हमने मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया, अब इसको हम ग्राइंड करके आते हैं। ये देखिए हमारा उत्पम कितना इजली ये छूट जा रहा है, जो कि तवा कोई नॉन स्टिक तवा नहीं है, ये लोहे की सिंपल सी तवा है। आप देख सकते हैं कितना इजली ये छूट रहा है। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं ताकि चिपके ना मिले से। हम इसे फिर से ढक देते हैं, तब तक हम चटनी बना के आते हैं ग्राइंड करके। चटनी बन के रेडी हो गई, देख सकते हैं बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी। और आप इसमें राई, जीरा और खड़ी मिर्च का तड़का भी दे सकते हैं, जैसे नारियल की चटनी में अपन देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना।